बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सेहत तबीयत कैसी है व्यूअर्स? आप सब नू दिल की गहराइयां ते बकरीद मुबारक हो मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, सब नू ईद मुबारक कबूलो। तो व्यूअर्स, आज मैं बकरीद में जो सुबह के टाइम स्वीट डिश बनानी है, जो लोग फेड़ियाँ शेड़ियाँ बनावा, आज मैं डेजर्ट बना रही हूँ कस्टर्ड का। तो मैंने कहा ये मैं ट्राई करूँगा। तो व्यूअर्स के साथ व्यूअर्स, जिस मैं जो बना रही हूँ कस्टर्ड, उसके वास्ते जो मैंने चीज़ें चाहिए वो ये है कि ये मैंने 4 बड़े चम्मच कस्टर्ड के लिए हैं, 4 बड़े चम्मच कस्टर्ड के लिए हैं। उसके वास्ते ये चाहिए मनु, मैं फ्रूट के वास्ते चाहिए आड़ू, 2 बड़े आड़ू, सेब है 2 कांटे, आम है, और ये फ्रूट केक है, बादाम है, और ये चीनी है, और ये दूध, मैं ये सादा दूध है, इसके अंदर मैं कस्टर्ड में घोलूंगी। तो और ये तीस में व्यूवर्स, ये मैंने इसके कस्टर्ड के वास्ते 2 किलो दूध लिया। दूध मैंने गर्म होने वास्ते रख दिया, उबलने वास्ते इसमें उबाला आ चुका है। ये देखो, ये बहुत इसकी आग हल्की कर दी। अब मैं इसमें क्या करूँगी कि मैं ठंडे दूध के अंदर कस्टर्ड घोलूँगी। गर्म दूध के अंदर घोलो तो गुठलियाँ बन जाएँ, तो अब मैं ठंडे दूध के अंदर कस्टर्ड घोलूँगी। ये मैं दूध डब्बे का ऑलपर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसके साथ ये गाढ़ा गाढ़ा सा बनेगा। तो ये पूरा पैकेट ले लूँगी मैं, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मैं ये कस्टर्ड शामिल करूँगी। एक एक चम्मच करके इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे। ये इसके बीच में थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड शामिल करेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बना। कम से कम मैंने ये लिए हैं 4 बड़े चम्मच कस्टर्ड के, समझ लो 2 पैकेट, जो छोटे वाले पैकेट हों ना, साशे पैक, वो 2 हैं ये। इसके अंदर गुठलियाँ नहीं बनाएंगी, ठंडे दूध के अंदर हमेशा इसमें खोलो, गर्म दूध के अंदर खोला ना तो इसमें गुठलियाँ बन जाएं। ये मैंने मैंगो फ्लेवर लिया इसका, ये देखो, ये मैंने अच्छी तरह मेरा घुल गया ये। अब ये जो गंद छंद पड़ा ये भी इसके साथ साथ सफाई करेंगे हम। इसके अंदर चीनी शामिल नहीं पहले करनी, क्योंकि बाज़ बच्चे बनावा ना तो पहले चीनी शामिल करते हैं, चीनी के साथ एकदम चीनी पड़ा है ना गर्म दूध के अंदर तो दूध फट जाए, फटने का खतरा हो। अब मैं इसमें शामिल करूँगी इसके अंदर आस्ता आस्ता। मैंने आस्ते आस्ते कर दिया इसके अंदर, इसे थोड़ा सा मैं फेरूंगी, फेर के अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी चीनी। तकरीबन इसमें फिर चीनी शामिल करेंगे, फिर मैं बाद में चेक कर लूँगी, चेक करके ना। फिर अब ये चीनी का मैं शामिल कर दिया इसके अंदर। अब ये दूध फटा गया नहीं, वो डाल के मैंने बनाया ना, डाली बाद दफ़ा मैंने भी बनाया एक दो दफ़ा इस तरह, ये दूध फट जाए सारा चीनी पे ना। इसमें बस हल्की आग पर फेर देना है, इसमें थोड़ी मीडियम सी आंच पर भी हल्की आग पर बनाना ताकि ना तरीके से गाढ़ा हो, एकदम गाढ़ा ना हो जाए। ये देखो ना ये होना शुरू हो गया, अभी बहुत पतला है। तो ये दूध गर्म था तो डाल दी इसमें, थोड़ा सा हो गया ये बस। ये देखो ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया, मिनट हो चुके हैं इसमें पकते हैं। इसनों मुसलसल चम्मच इसके अंदर चलाते रहना, तो रोकना नहीं आता कि इसके ना गुठलियाँ ना बना, कोई गाढ़ बना, एक साइड गाढ़ी हो जाए, एक साइड तेरे लग जाए, नीचे नीचे नहीं लगन देना, इसका जायका चेंज हो जाएगा बिल्कुल। तो इसनों इस तरह फेर दे ही रहना। इसके अंदर मैंने चीनी चेक करी है, बिल्कुल ठीक है, ठीक रह गई है, क्योंकि जब हमने फ्रूट केक वगैरह डालना है ना तो हमने चीनी इसके अंदर बहुत हल्की तो नहीं, नॉर्मल रखनी है, तेज़ नहीं करनी चीनी ज़रा सी, क्योंकि वो भी फिर मीठी चीज़ें, उसके अंदर हम शीरा डालेंगे, इसके अंदर मैं मैंगो फ्लेवर डालूंगी, इसके अंदर ये जो फ्रूट केक है इसके अंदर मैं ये वाला ये मैंगो शेक फ्रूट केक लगा के ना ये मैंगो शेक डालूंगी। ये मैं डब्बे का इस्तेमाल नहीं करा, ये वाला बोतल वाला है, ये देखो ये बोतल वाला। अगर ऑरेंज फ्लेवर बना रहे हैं तो ऑरेंज वाला डाल लो, ये महंगी नहीं है बोतल, 100-150 की बोतल है तो ये भी वही है जो बाजारी हो, लेकिन ये कि वो जो डब्बे वाले हो ना वो बंद हो, उनका कोई एतबार नहीं है आजकल तो, बिल्कुल नहीं है।
तो ये मैंने इसके साथ अंदर निकाल दिया, तो ये जब इसके अंदर लेयर दूंगी तो इसके अंदर मैं इसनों शामिल करूंगी इसके ऊपर, अगर वो कस्टर्ड ना चूसे, वरना अगर जो व्यूअर्स ये भी एक बात है कि अगर कस्टर्ड बना रहे हैं ना, ये चीज़ बना रहे हैं ना हम, तो हम डायरेक्ट फ्रूट केक लगा के इसनों जब बनावा है ना तो डायरेक्ट उसके ऊपर ये डाल दें कस्टर्ड, तो वो सारा कस्टर्ड ना चूस जाए, कस्टर्ड बहुत गाढ़ा हो जाए क्योंकि वो फ्रूट केक फूल जाए वो सारा उसमें अब्जॉर्ब कर ले, वो इस तरह फिर मज़ा नहीं आता, वो फिर केक केक ही आवा या भूमा कस्टर्ड तो ये सारा ही ख़त्म कर दे। इस करके इसमें पहले ही इसके अंदर ये मैंगो फ्लेवर का शीरा, सादा शीरा भी बना के डाल सका है, चीनी को लो, चीनी के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसका शीरा बना लो, इसकी लेयर लगा के ना शीरा थोड़ा सा डाल दो, इसके अंदर मीठा नॉर्मल होएगा, हल्का होएगा ना तो वो चीज़ें काफ़ी मीठा इसके अंदर आएगा, वरना तेज़ हो जाएगी चीनी, आजकल मीठे का तो एहतियात ही करना चाहिए बहुत ज़्यादा, इतना नहीं करना चाहिए। ये माशाल्लाह मेरा ये देखो इतना गाढ़ा हो गया, इसका जायका खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, तो इसमें ज़रा और 5 मिनट और ज़रा मैं पका लूँ। बस ये माशाल्लाह देखो कितना अच्छा तैयार हो गया, देखो इतना गाढ़ा हो चुका है, ये इतना गाढ़ा हो ना जब इस तरह इसकी आवा लेर तो समझ लो आपका कस्टर्ड तैयार हो गया। ये जो वाइट वाइट है ये मैंने मलाई डाली हुई है दूध के अंदर, सही मलाई वाला दूध है, इसका टेस्ट बहुत आवा है, तो ये देखो ये माशाल्लाह तैयार हो गया। तो व्यूअर्स मैं अब ना उसकी लेयर लगाऊंगा, व्यूअर्स ये मैं इसके अंदर सबसे नीचे ये लगाऊंगी फ्रूट केक की लहर, ये मैंने लगा दिए फ्रूट केक नीचे, ये ज़रा छोटे छोटे पीस हैं इसके अंदर, ये चीज़ कवर कर देंगे, ये चीज़ कवर कर देंगे, ये इस तरह टोटे टोटे लाकर ये व्यूअर्स मैं इसके अंदर ये लगाऊंगी मैंगो शेक, इसके अंदर फ्रूट केक के ऊपर लगाना, ये इसका इतना मज़े का जायका है ना, ये सारा इसमें जज़ब कर लेगा अपने अंदर ना, खाली नहीं छोड़ना ताकि ये ना कस्टर्ड ना पी जाए, प्यासा होगा इतना ये सारा कस्टर्ड पी जाए। बस ये जो आड़ू है ना ये मैं इसके अंदर शामिल करूंगी, चम्मच देना, आड़ू थोड़े से हम पका लेंगे क्योंकि आड़ू ज़रा सख्त हैं, थोड़े से थोड़े से गार्निश के वास्ते रखूँगी मैं, इतने से बस, बाकी इसके अंदर ये शामिल करें, बाकी दोनों चीज़ें नरम है, सेब भी और वो भी ये नरम है, केले भी उसे मैंने इस करके नहीं डाले कि केले काले हो जाए, डालो ना तो वो काले, ये सुनो 1-2 मिनट पकावाँगे ये नरम हो जाएंगे, ये मिठे हो जाएंगे, थोड़े मैंने चेक करे हैं खट्टे हैं काफ़ी सख्त है ना, इसके अंदर डल के ये मिठे हो जाएंगे। व्यूअर्स ये आड़ू नरम पड़ चुके हैं, इसके अंदर शीरा चला गया, मिठे हो गए हैं ये, ये मैं इनके इसके अंदर डालूँ, इसके अंदर मैं लेयर लगाऊंगी, ये सब नीचे डाल लें, चूल्हा बंद कर दो, इसके अंदर मैं डाल दूंगी कस्टर्ड, सारा कस्टर्ड इसके अंदर लेयर पूरी यहाँ तक आएगी बड़ी प्यारी से करके, अब इसके अंदर मैं यहाँ शामिल करूंगी सेब, ये आपने इसके अंदर नहीं शामिल करने, बहुत मुरझा जाएंगे सेब वरना ना, पकाने में नहीं शामिल करने, सेब मैंने काटे हैं उन्होंने हल्का सा चीनी डाल के रख दिया ताकि ये काले ना हो, वरना ये काले हो जाएं, इसके अंदर चीनी का शीरा सा बना के ना बस चीनी डाल दी खुद ही उसने शीरा बना दिया अपना, इसके साथ ये काले नहीं होते हैं, ये मैं सेब डाल दी इसके बीच में, मैं इसके अंदर ये मैंगो,
डाल दिया। इसके बीच में मैं इसके ऊपर फिर कस्टर्ड की लेयर दूंगी, थोड़ी सी पतली लेयर देनी है ये वाली ना ज़्यादा, ताकि नीचे ना फ्रूट चला जाए। ये बस मैंने इसके अंदर ये चीज़ डाल दी है, ये भी इसके ऊपर मैं शामिल करूँगी थोड़े से ये आड़ू, थोड़े से हमें ज़रा सख्त हाँ थोड़े से सेब, ये भी ये हल्के रखने हैं ऊपर ना, क्योंकि इसके मोटी लाइक तय चली गई है ना इसके अंदर। थोड़े से आम, इससे पता चलेगा फ्रूट कस्टर्ड। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी बादाम, बादाम की तह लगा देंगे, बादाम की डिजाइनिंग सी कर देंगे थोड़ी सी। तो व्यूअर्स ये है मेरी आज की रेसिपी, फ्रूट कस्टर्ड डेजर्ट। माशाल्लाह बहुत प्यारा बना है, बहुत मज़े का बना है। मैंने देश का साफ कराया तो मैंने बड़ा जायका अच्छा लगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। ज़रूर ट्राई करना, मैंगो फ्लेवर के अंदर तो बहुत ही लजीज बना है। अब ये गर्म है, इसमें फ्रिज में रखेंगे तो सुबह ईद के टाइम काटेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा। आप बनाना ज़रूर, ट्राई ज़रूर करना, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो व्यूअर्स ये मैंने किसी के घर भेजना, इस करके मैंने इसकी भी सेटिंग करी है। साथ ये मैंने दो गिलास बनाए हैं, ये देखो ये कितने अच्छे बने गिलास भी, इनकी सेटिंग करी है। तो व्यूअर्स इस तरह करके जितना मर्जी डिज़ाइन बना लो, जिसके चीज़ के अंदर इस मर्जी पैमा लगा लो इसकी, तो ये बहुत अच्छा बनाया फ्रूट वाला, तो मज़े का। इंशाल्लाह आप ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। तो मैंने दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। ईद मुबारक हो सबनु, फिर दोबारा मेरे तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से सबनु बहुत बहुत ईद मुबारक कबूलो, और मैंने दुआओं में याद रखना। तो अम्मी का किचन में दोबारा फिर हाज़िर होंगी अच्छी सी और नई रेसिपी के साथ, तब तक मैंने इजाज़त।